आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। केंद्र सरकार कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों की छटनी का मन बना रही है। केंद्र सरकार आने वाले समय में 50 साल की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेव निर्वृत्त होने का फरमान जारी कर सकती है। इस पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष योगेंद्र शर्मा ने रोष व्यक्त किया है। केंद्र सरकार कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों की छटनी का मन बना रही है। केंद्र सरकार आने वाले समय में 50 साल की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होने का फरमान जारी कर सकती है। इस पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष योगेंद्र शर्मा ने रोष व्यक्त किया है। योगेंद्र शर्मा का कहना था कि कोरोना काल में कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने कार्य को किया है, ऐसे में केंद्र सरकार का ये तुगलकी फरमान कहाँ तक उचित है। मैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन से मांग करता हूँ कि हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, दिन रात कोविड 19 के ड्यूटी कर रहे हैं और उनको एक एक करके कहीं पे कोई कर्मचारी संक्रमित हो जाता है, कभी कहीं कोई कर्मचारी संक्रमित हो जाता है, उनको समुचित मास्क सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था समुचित तरीके से कराएं। और योगेंद्र शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य कर्मचारी कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण के बीच ईमानदारी से अपनी सेवाओं को अंजाम दे रहे हैं, इसके बावजूद सरकार ने हमारे कई भत्तों पर रोक लगा रखी है, यह गलत है। एक केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों के प्रति आदेश आया है कि 50 वर्ष से अधिक जिनों की आयु है या जो कर्मचारी अक्षम महसूस करते हैं अपने आप को, वो कर्मचारी की बजाय अधिकारी डिसाइड करेंगे कि ये कर्मचारी कार्य कर सकता है या नहीं कर सकता है। जिनकी 3 दशक तक की सेवाएं हो गई हैं और उनको अगर जबरन रिटायर किया जाता है तो ये उनके परिवार के प्रति, उनके प्रति पूरी सेवा काल में किए गए कार्य के प्रति बहुत ही असंतोष कर्मचारियों में व्याप्त है इस शासनादेश के विरुद्ध। कोविड 19 के इस दौर में सभी लोग परेशान हैं। राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों का कहना है कि आने वाले समय में वो सरकार के इस तुगलकी फरमान के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। अजय बहादुर, सी न्यूज आगरा।